हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं होंडा की सिटी है, 2012 का मॉडल है और पेट्रोल कार है। गाड़ी अभी चालू पोजीशन में है और एसी हमने चालू रखा है। इसका लाइट ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि इसके अंदर की जो बल्ब रहती है, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये ग्लो हो रहा है लेकिन ये ग्लो नहीं हो रहा है। इसकी अंदर की बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो गया है, इसके वजह से चल नहीं रहा है। कस्टमर का कहना है कि रहन दो, उसको ही चालू रहन दो, बटन वर्किंग में है। साढ़े चार सौ रुपये का बटन है, इसके वजह से छोड़ दिया हूँ उसको, ऐसे ही रखा हूँ। तो एसी अभी चालू पोजीशन में है और कूलिंग टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं, 8. साफ नहीं दिख रहा है, 8.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कूलिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी है। और ये रही आउटसाइड एयर का, मस्त दिया है, जूनी मॉडल है लेकिन गाड़ी अच्छी है एकदम। और ये रही एयर डायरेक्शन का फ्लो, प्रॉपर चल रहा है। और ये रही रियर डिफोगर का, ये चालू कंडीशन में है। और ये ब्लोअर स्विच है, प्रॉपर चल रहा है। और चलो अब हम इसका हीटिंग टेम्परेचर देख लेते हैं कितना तक जा रहा है। हीटर हाई पे किया हूँ और हीटिंग टेम्परेचर देखते हैं कितना तक जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, 18.2 आ गया। थोड़ी देर के लिए हम इसको होल्ड करते हैं, देखते हैं कितना तक जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 51.5, यानी और भी बढ़ेगा, 9.52 पे चला गया। यानी हीटिंग टेम्परेचर भी प्रॉपर चल रहा है इसका, हीटर भी। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़।